कौन थे महाराज शक्ति सिंह जी? इतिहास का एक ऐसा योद्धा जिसे अब तक महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि वे इस दोष के जिम्मेदार थे ही नहीं। वे तो एक सच्चे देशभक्त थे जिन्हें इतिहास की किताबों ने गद्दार साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए आज जानते हैं महाराज शक्ति सिंह जी के इतिहास के उस अनजान अनसुने हिस्से को। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शक्ति सिंह जी का जन्म साल 1540 ईस्वी में हुआ था। पिता मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी थे। माता महाराणा उदय सिंह जी की दूसरी रानी सज्जाबाई जी सोलंकिनी थी। इनके सगे भाई विरम देव जी थे। बड़े भाई महाराणा प्रताप के जन्म के कुछ ही महीनों बाद शक्ति सिंह जी का जन्म हुआ। बचपन में दोनों भाइयों के बीच कोई भी मनमुटाव नहीं था। एक दिन महाराणा उदय सिंह दरबार लगाए बैठे थे कि तभी दरबार में एक तलवार बेचने वाला आया। महाराणा ने तलवार की धार देखने के लिए एक महीन कपड़ा तलवार पर फेंका, जिससे कपड़े के दो टुकड़े हो गए कि तभी कुंवर शक्ति सिंह तलवार की धार देखने के लिए अपना ही अंगूठा चीर कर बोले कि वाकई तलवार में धार मजबूत है। पर राणा की इजाजत के बिना शक्ति सिंह ने तलवार पर खून लगा दिया था, जो कि वेद विरुद्ध कार्य था। राज मर्यादा भंग करने पर महाराणा उदय सिंह ने क्रोधित होकर कुंवर शक्ति सिंह को दरबार से बाहर निकलवा दिया। इस बात पर कुंवर शक्ति सिंह जीवन भर महाराणा से नाराज रहे। भरे दरबार में अपने अपमान के आंसू पोंछते शक्ति सिंह अब जंगलों में रहने लगे। कुंवर शक्ति सिंह को सत्ता का कोई लोभ नहीं था, उनकी नाराजगी केवल महाराणा उदय सिंह जी से थी। दूसरी ओर इस वक्त दिल्ली पर अकबर की हुकूमत थी। वो आए दिन राजपूताने की अलग अलग रियासतों पर अपनी सेनाएं खड़ी कर देता। इसी कड़ी में 31 अगस्त साल 1566 ईस्वी को अकबर ने धौलपुर में पड़ाव डाला, जहां उसकी मुलाकात मेवाड़ के कुंवर शक्ति सिंह से हुई। इस दौरान प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल भी वहीं मौजूद था। अबुल फजल ने अकबरनामा में शक्ति सिंह जी का नाम सत्ता सिंह लिखा है। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि शहंशाहे हिंद ने धौलपुर में पड़ाव डाला, यहां उनकी मुलाकात राणा उदय सिंह के बेटे सत्ता से हुई, जो कि उस महाराणा प्रताप का सगा है। शहंशाह ने सत्ता से कहा, हम तुम्हारे पिता महाराणा उदय सिंह के राज्य पर चढ़ाई करेंगे, तुम चलोगे हमारे साथ? यह सुनते ही सत्ता गुस्से में आकर शहंशाह को सलाम किए बगैर ही वहां से चला गया। शक्ति सिंह जी ने अकबर के हमले की सूचना तुरंत चित्तौड़ जाकर महाराणा उदय सिंह को सुनाई, जिसके बाद ही युद्ध की तैयारियां और राज परिवार की रक्षा हो सकी। एक बार किसी बात पर महाराणा प्रताप का उनके छोटे भाई शक्ति सिंह जी से झगड़ा हो गया। बीच बचाव करने आए राज पुरोहित नारायण दास पालीवाल भी यह लड़ाई नहीं रोक पाए, जिस पर राज पुरोहित ने लड़ाई रोकने के लिए आत्महत्या कर ली। एक मत तो यह भी है कि शक्ति सिंह जी की तलवार के वार से अनजाने में नारायण दास जी का देहांत हुआ, जिससे नाराज होकर महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। शक्ति सिंह जी साल 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी तक डूंगरपुर के रावल आस करण की सेवा में रहे, लेकिन अपने उग्र और गुस्सेल स्वभाव के चलते डूंगरपुर के किसी जगमाल नाम के मंत्री का वध कर देने पर इन्हें डूंगरपुर भी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद थक हार कर यह मुगल सेवा में चले गए। शक्ति सिंह जी के सिर्फ मुगल सेवा में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन मुगलों की तरफ से इनके द्वारा एक भी युद्ध में लड़ने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। शक्ति सिंह जी मुगल सेवा में कुछ महीने ही रहे थे। हालांकि कुछ महीनों तक मुगल सेवा में रहने का वर्णन भी कवि लोगों का लिखा हुआ है, अन्यथा उस काल के किसी भी मुगल लेखक ने शक्ति सिंह जी द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करने का जिक्र किसी भी किताब में नहीं किया। हल्दीघाटी के युद्ध में भी शक्ति सिंह जी ने मुगलों की तरफ से युद्ध में भाग ही नहीं लिया। यदि भाग लिया होता तो युद्ध में मौजूद अबुल कादिर बंदयुनी उनके बारे में जरूर लिखता।
हल्दीघाटी के युद्ध के अंतिम क्षणों में भी शक्ति सिंह जी ने बनास नदी के करीब पहुंचकर महाराणा प्रताप के पीछे आ रहे खुरासान खां और मलखान खान को मारकर अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को भेंट किया, जिस कारण ही तो युद्ध में घायल हो चुके महाराणा हुकुम युद्ध स्थल से दूर जा सके। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप से क्षमा मांगी और महाराणा प्रताप के साथ मिलकर उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक का अंतिम संस्कार भी करवाया। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद शक्ति सिंह जी ने भिंडर के पास स्थित वेनगर दुर्ग पर तैनात मुगलों को मारकर वहां पर अपनी जीत का परचम लहराया। वेनगर पर विजय प्राप्त करके शक्ति सिंह जी ने बेसरोडगढ़ के किले पर चढ़ाई कर दी। बेसरोडगढ़ में तैनात मुगलों से लड़ाई हुई जिसमें शक्ति सिंह जी विजयी हुए। इस विजय के बाद शक्ति सिंह जी उदयपुर में अपने बड़े भाई महाराणा प्रताप से मिलने पहुंचे। तब यह दुर्ग उन्होंने महाराणा प्रताप को भेंट कर दिया, पर महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी के कार्यों से प्रसन्न होकर इस दुर्ग को फिर से शक्ति सिंह जी को सौंप दिया और कहा कि इस दुर्ग में हमारी माताओं और बहनों को रखा जाए तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व आपका और आपके छोटे भाई विरमदेव जी का होगा। इन दोनों भाइयों ने 15 वर्षों तक राज परिवार की महिलाओं की सुरक्षा की और किसी भी सदस्य पर आंच तक नहीं आने दी। एक बार मंसूर के मिर्जा बहादुर ने भिंडर पर आक्रमण कर दिया। इस समय भिंडर की जागीर हल्दीघाटी युद्ध में वीरगति पाने वाले मान सिंह जी सोनगरा के पुत्र अमर सिंह जी सोनगरा के पास थी। अमर सिंह जी सोनगरा ने शक्ति सिंह जी से युद्ध में सहायता मांगी तो शक्ति सिंह जी ने मिर्जा बहादुर को पराजित कर भिंडर की रक्षा की। इस बात से महाराणा प्रताप काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने शक्ति सिंह जी को तुरंत बुलावा भिजवाया और अमर सिंह जी सोनगरा को कोई दूसरी जागीर देकर भिंडर की जागीर शक्ति सिंह जी को सौंप दी, जहां आज तक शक्ति सिंह जी के वंशज रहते हैं। चावंड राजधानी बसाने के बाद महाराणा प्रताप ने सूरत के मुगल सूबेदार से युद्ध किया। इस युद्ध में शक्ति सिंह जी अपने पुत्रों सहित महाराणा प्रताप के साथ थे। बीमारी के चलते महाराज शक्ति सिंह जी का देहांत साल 1594 ईस्वी को मात्र 54 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मौजूदगी में हुआ। शक्ति सिंह जी के कुल 17 पुत्र थे, पर शक्ति सिंह जी के 17 पुत्रों में से 11 पुत्र मेवाड़ की रक्षा करते हुए जहांगीर के साथ हुए युद्ध में वीरगति पा गए। महाराज शक्ति सिंह जी के वंशज सक्तावत कहलाए, जिनकी वीरता के किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं। इस तरह महाराज शक्ति सिंह जी ने मेवाड़ की सुरक्षा और स्वाभिमान को बचाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम आज भी विश्वासघात के लिए ही लिया जाता है, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, जो कि सर्वथा अनुचित है। लेकिन दोस्तों, हम